बात करें, पहला सवाल आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर आपको भी दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि दुनिया में किस तिथि को दिन रात बराबर होता है। मेरी आवाज़ साफ, एक बार वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितने भी साथी मित्र हमारे वीडियो को, हमारे सेशन को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं आप इस प्रश्नों की हम बात करें तो पूरी दुनिया में, अगर हम पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो आप इस प्रश्न का उत्तर एकदम आपके सामने आपके जहन में आ जाता है। और ये कि दिन और रात बराबर की हम बात करें तो एक तिथि होती है मार्च में और दूसरी ऐसी दशा आती है सितंबर में। ऐसा साल में दो बार होता है जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं वो कौन कौन से ऐसे दिन हैं जिस दिन दुनिया में दिन और रात बराबर होती है, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज है, एससीईआरटी की सीरीज है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता के रखा है और आप लोगों ने भी इस तथ्य को पढ़ लिया और समझ भी लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही आप लोगों ने बताया, 23 सितंबर को होता है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ अभी से लाइव देख पा रहे हैं। तो सभी साथी फटाफट अंदाज में शेयर करिएगा और फटाफट अंदाज में इसका जवाब भी दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यह पूरा सीआरटी और एससीआरटी का निचोड़ है, इसलिए यह आपके सिलेबस या आपके पाठ्यक्रम के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कॉमेंट सेक्शन में जाएंगे और कॉमेंट करके इस प्रश्न का जवाब भी हमें साथियों को जरूर देंगे। तो फटाफट अंदाज में आप लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। आवाज़ साफ आ रही, वीडियो साफ चला कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, आपके जवाब आने चाहिए। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा श्रीनगर। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है, ध्रुवों के बीच खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माने दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके सभी साथी मित्र अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को, इस सेशन को अपने साथियों तक, अपने मित्रों तक जरूर साझा करें, जरूर पहुँचा दें। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, सीधी रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बताइएगा कि ध्रुवों के बीच से खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माने जो दो ध्रुवों के बीच है। इस तरह का प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, मैं इस वीडियो में अभी आपको आगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूँगा कि इस तरह के प्रश्न हैं दो तरह से आपकी परीक्षा में कैसे आते हैं, उन दोनों तरीका पूछने का क्या है और कैसे लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, कैसे इस प्रश्न के उत्तर तक पहुँचते हैं। आप लोगों की संख्या कम है, बेहद कम है। चलिए हम आपके साथ यहाँ पे चलते हैं। जैसे हमारा पूरा ये हो गया पृथ्वी, ठीक, माना ये उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब बीच जो बीच रेखा जिसे 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। भूमध्य रेखा को ही हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 0 होगा, सी होगा, मैंने 0 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह से सही और स्पष्ट रूप से दिए होंगे। अब यहाँ पर किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। अच्छा, दोनों ध्रुवों के बीच जोड़ने वाली रेखा कौन सी है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं। सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इसका जवाब भी जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी के लिए हमारे द्वारा लाइव चल रही है निःशुल्क। दोनों ध्रुव की मिलाने रेखा जो यहाँ पर है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश के कितने स्थल आर्द्र भूमि रामसर स्थलों में है। देखिए, यह उत्तर प्रदेश का पूछ सकता है, बिहार का पूछ सकता है, मध्य प्रदेश का पूछ सकता है, राजस्थान का पूछ सकता है, झारखंड का पूछ सकता है, ये कहीं का भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मेरा कमेंट करके बताइएगा कि क्या वॉइस क्लियर नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, प्रश्न का उत्तर होगा 10। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ, जापान के निकट बहने वाली गर्म धारा क्या कहलाती है। ये पूरी तरह से एससीईआरटी है, मैंने आपको पहले बताया एससीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ है। जरा कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या। सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है या नहीं। जापान के निकट बहने वाली गर्म धारा क्या कहलाती है, क्यूरोशिवो, गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल। प्रश्न नंबर 5 आप लोगों को जवाब देना है, उसे हम क्यूरोशिवो की धारा कहते हैं। मतलब सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ जो आपके सामने आ रहा है। सूर्य की किरणें किस तिथि को कर्क रेखा पर सीधी चमकती है। आज के सेशन में ही, आज के सीरीज में हमने सवाल आपसे पूछा है और आज के सीरीज में इस तरह के सवालों के बारे में हमने आपसे चर्चा किया है। ये वीडियो आप जहाँ भी देख रहे हैं शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे बार बार ये कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रश्नों को लोगों तक पहुँचाना है और आपका भी उतना ही कर्तव्य है जितना कि मेरा। बताइए फटाफट कमेंट करके आप लोग,
जो लोग भी लाइव हैं वो कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। बताइए फटाफट कमेंट करके, सूर्य की किस तिथि को कर्क रेखा पर सीधी चमकती थी? यहाँ पर प्रश्न का उत्तर 21। और इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है कमेंट करके बताइएगा। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगला है, विषुवत प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी के लिए लाइव चल रही है और हम चाहेंगे ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के बारे में जवाब भी देते चलिए और फटाफट वीडियो को लोगों तक शेयर भी करते चलिए। अगर प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर संवहनी वर्षा होती, कौन सी होती है? संवहनी वर्षा होती, मतलब इस सवाल का जो सही उत्तर है वो ए होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम चाहेंगे कि आप फिर से इस तरह के सवालों को पढ़ें और अपने मित्रों तक भी साझा करते रहें। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं। अगला है, वन महोत्सव मनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वन महोत्सव मनाने का जो सबसे बड़ा कारण है या जो कारण है वो क्या है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब भी जरूर दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक पर है, ये वीडियो यूट्यूब पर है, जहां भी देखने लगे, प्रश्न नंबर 8 के बारे में जवाब दीजिएगा। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आता है कि कब मनाया जाता है, एक सवाल तो ये बन गया पूरा। देखिए, मैंने आपसे पहले बताया एससीईआरटी और एनसीईआरटी का निचोड़ है, तो इसलिए आप लोग को ये जरूर बताना होगा कि कब मनाया जाता है। एक प्रश्न तो आपका अपने मन से इनसे तैयार हो गया, अब दूसरा प्रश्न भी आप लोग को यहाँ पे जवाब देना है। बताइए फटाफट कमेंट करके, वन महोत्सव सौंदर्य वृद्धि करना गलत, लकड़ी की आपूर्ति करना गलत, मिट्टी के कटाव को रोकना, इसीलिए वन महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से सी, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब सही है। अगला है, विभाजन के पूर्व किसकी खेती निम्नलिखित में से पूर्व बंगाल में होती थी? जो पूर्व बंगाल है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो जो पूर्वी बंगाल है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो यही आपका बांग्लादेश भी है। ठीक है, और पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था ये, और ये पूर्व का बंगाल भी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, प्रश्न नंबर 9 का जूट के लिए है। तो अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर भी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है सवाल आपके सामने, टैगा क्षेत्र, टैगा क्षेत्र मुख्य वनस्पति, टैगा क्षेत्र की जो मुख्य वनस्पति है वो क्या है? सदाबहार वन है, संकुल वन है, कटीली झाड़ियां है, खसरा है। प्रश्न नंबर 10, मैंने आपसे पहले बताया ये पूरी सीरीज एनसीईआरटी की है और एससीईआरटी के साथ पूरी मिली थी, और ये एससीईआरटी की पूरी निचोड़ है ईवीएस का, और ईवीएस इस सेशन में इस जीएस और जीके की बात करें तो जीएस जीके में जो सीरीज है ये ज्योग्राफी की सीरीज है। किसकी है? ज्योग्राफी की सीरीज है। और आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 10 में क्या होगा, टैगा क्षेत्र की मुख्य वनस्पति क्या है? यहाँ पे संकुल वन होंगे। कैसे वन होंगे? संकुल वन होंगे। टैगा क्षेत्र का मुख्य जानवर क्या है, जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि जो टैगा क्षेत्र है इसका मुख्य जानवर कौन सा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 11, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शुतुरमुर्ग है, मिंक है, गैंडा है, भेड़ है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इस वीडियो को चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप सभी के जवाब आने जरूरी है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। मिंक एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, उष्ण मरुस्थल की वनस्पति निम्नलिखित में से क्या है? सभी लोग जवाब देंगे कि उष्ण मरुस्थल की जो वनस्पति है निम्नलिखित में से क्या है? सदाबहार वन है, झाड़ है, कटीली झाड़ी है, संकुल वन है, कौन से वन है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। जो भी साथी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं वो शेयर कर देंगे, जो साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं वो यूट्यूब पर शेयर कर देंगे। कर भला तो हो भले, इसलिए लोगों तक पहुँचनी जरूरी है क्योंकि पूरी तरह से एनसीईआरटी एससीईआरटी का निचोड़ आपके सामने है। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है कि उष्णकटिबंधी जो होती है, सदाबहार वन नहीं होगी, झाड़ नहीं होगी, संकुल वन नहीं होगी, यह कटीली झाड़ियां होती है, इसे हम मरुस्थली वन के नाम से भी जानते हैं। यहां तक आप लोग के जवाब सही होगी। निम्नलिखित में से उष्ण मरुस्थल का जानवर क्या है? हम चाहेंगे जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जवाब सभी के आने चाहिए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, उष्ण मरुस्थल का जानवर कौन सा है? शुतुरमुर्ग है, मिंक है, गैंडा है, भेड़ है? 13 का जवाब सभी लोग देना है। उष्ण मरुस्थल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दिया गया प्रश्न है उस हिसाब से प्रश्न का उत्तर होगा ए, शुतुरमुर्ग। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए शुतुरमुर्ग बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ, विषुवती प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति है? तो जितने भी साथी मित्र हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर देते रहेंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक साझा जरूर करेंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके।
जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। 14 का विस्वती जो प्रदेश है, जैसे अगर हम यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो 0 डिग्री है इसे विस्वती प्रदेश कहा जाता है, यहाँ पे सदाबहार वन मिलते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब, अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आप सबके जवाब पूरी तरह से सही है, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं। विस्वती प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? शुतुरमुर्ग है, गैंडा है, मिंक है, इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। तो विस्वती प्रदेश की बात करें जहां पे हम आप रहते हैं, ये भी विस्वती प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो शुतुरमुर्ग ना मिलता, ना मिंक मिलता, हमारे यहाँ गैंडा मिलता है। गैंडा अभयारण्य कहाँ पे है कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके कि जो गैंडा अभयारण्य है वो कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर इलेनी भी दुर्गेश ऐप पर कहीं भी देख रहे हैं। कौन सा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता, ये सब आपको इलेनी भी दुर्गेश के नोट्स मिल जाएगा। और डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर सभी लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, इलेनी भी दुर्गेश को जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि सभी क्लास की लिंक वीडियो आपको मिलती रहे, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए। बताइए फटाफट कमेंट करके, कौन सा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है? प्रश्न नंबर 16 का जवाब सबको देना है फटाफट अंदाज में, चंद्रमा, साइरस, डाइमास, फोबोस। तो सभी साथी जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। काजीरंगा एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है। काजीरंगा कहां पर है इसका भी जवाब आप सबको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही छोड़ना है ताकि हम भी आपके साथ सेशन में क्रमवार रूप से आगे बढ़ते रहें और ये सीरीज आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से डे बाय डे बेहतर होती चली जाएगी। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। अगर मैं प्रश्नों की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा करता है। यह चंद्रमा के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कर्क और मकर रेखा कितने अक्षांश पर खींची जाती है? ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, ये ऊपर हो गई कर्क और इसके नीचे आते हैं तो हो जाती है मकर। अगर इसकी कोणीय दूरी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? प्रश्न नंबर 17 के जवाब सभी साथियों को देना है। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है प्रश्न नंबर 17 में, 23 डिग्री 30 मिनट, मतलब सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी जवाब दिया है तो पूरी तरह से इसका उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं की तरह क्या है? एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, भूमध्य रेखा के समांतर नहीं होती हैं। तो आपको यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से देना है प्रश्न नंबर 18 का। जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं की तरह, जैसे ये देखिए हमारा ये हो गया 0 डिग्री, ठीक, ये भूमध्य रेखा हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं सभी रेखाएं ये अक्षांश रेखाएं जो दोनों ये भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली पश्चिम से पूर्व जो काल्पनिक रेखाएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा हो गया। अब अगर हम देशांतर रेखा, इनके बीच की दूरी बराबर होती है, समानांतर होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनमें ये कह देते हैं, जैसे ये हो गया हमारा 0 डिग्री, अब देखिए ये, अब यहाँ पे देखिए इनकी बीच की दूरी ज्यादा है लेकिन ये ध्रुवों पे जाने के बाद क्या हो जा रहा है, यहाँ पर से मिल जा रहा है। तो यहाँ पे दूरी ज्यादा है तो यहाँ पर एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, मतलब इस सवाल का उत्तर हो गया बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं। संसार की प्रसिद्ध जीवित एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है? तो जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं, वे जवाब संसार के एक प्रसिद्ध जीवित ज्वालामुखी पर्वत का नाम है, कोटापाक्सी, राकी, एटलस, माउंटबेन। 19 का जवाब सभी साथियों को देना है। देखिए यहाँ पे कीटोपैक्सी जगह से कोटापैक्सी कहिएगा, टाइप करने में त्रुटि हो गई, इसे कोटापैक्सी कहते हैं। अब ये कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। अगला आपके सामने भूमध्य रेखा, जो स्थान जितनी दूर होगा उतना ही क्या होगा? जैसे ये है हमारी, मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई 0 डिग्री हो गई। अब ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वो क्या होगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा से स्थान पर दूरी बढ़ेंगे उससे क्या क्या होगा? आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो साथी यूट्यूब पर या फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं, लोगों को पहुंचा दीजिएगा। SCERT और NCERT की जो सीरीज है आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है, ये लेने पर दुर्गेश पर मिलेगा आपको एक ही जगह। जी हाँ, अगर हम प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो ज्यों ज्यों बढ़ते हैं यहाँ ध्रुवों की तरफ, मैंने भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा। ए वालों का जवाब यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अगला आपके सामने, महासागरों के जल में लवणता क्या होती है? प्रारंभ से नहीं होती, प्रारंभ से होती है, कुछ प्रारंभ से होती है, कुछ प्रारंभ से नहीं होती है।
एक बार जरा कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा कि आप लोग को मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है, वीडियो साफ चल रहा है, कहीं किसी को दिक्कत तो कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, महासागरों के जल में लवणता क्या होती है। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैंने आपसे पहले बताया एनसीईआरटी का पूरा पूरा निचोड़ है और एससीईआरटी को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें ज्योग्राफी का सेशन है ये आपके लिए, प्रारंभ से नहीं होती। महासागर के जल में जो लवणता होती है वो प्रारंभ से नहीं होती, धीरे धीरे होती है। ठीक है, ए वालों के जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही है। हम नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जापानी खनिज कृषि के मामले में निर्धन होते हुए भी उद्योगों के विषय में क्या है? अन्य देशों से कच्चा माल मंगाने के कारण अग्रणी है, देश में धनी मान उद्योगपतियों के कारण अग्रणी है, अपने परिश्रम के कारण अग्रणी है, अधिक जानकारी रखने के कारण अग्रणी है। 22 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। गलत हो सही हो, लेकिन ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपके आएंगे तो लोग गलती कर जाएंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, अगर आपने प्रश्न नंबर 22 का जवाब दिया है कि अपने परिश्रम के कारण अग्रणी है। ठीक है, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जापान को क्यों उगते सूरज का देश कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, मानचित्र में समान ताप वाले स्थान को मिलाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? यह सब आपको इलनी बी दुर्गेश के नोट्स मिल जाएगा, पूरी जो नोट्स इलनी बी दुर्गेश की इसी टॉपिक पर तैयार किया गया है एनसीईआरटी और एससीईआरटी को मिलाकर। अगर आपने पूरा नोट्स पढ़ लिया होगा तो एक भी प्रश्न यहाँ पर जितना भी आपने पढ़ा है एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे क्या कहते हैं। अगर समान ताप वाले स्थानों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट का उत्तर होगा समताप रेखा, नाम से ही स्पष्ट हो रही है। आप भी समान दाब वाली रेखा को मिलाने वाले को हम समदाब रेखा कहते हैं और समोच्च रेखा किसे कहते हैं? मेरा सवाल आपसे है समोच्च रेखा किसे कहते हैं? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे समोच्च रेखा क्या है। फटाफट अंदाज में आपको जवाब देना है। समताप रेखा से बताया जाता है समान भार, समान दाब, समान ताप, समान क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। यह भी मैंने आपको पढ़ाया, ये पूरी सीरीज, ये पूरा सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जापान को बुजुर्गों का देश क्यों कहा जाता है कमेंट करके बताइएगा। समानता अभी हम लोगों ने पढ़ा है। पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं और ये पूरी तरह से एनसीईआरटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह क्या है। पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह क्या है? प्रश्न नंबर 25 आप सभी लोगों को जवाब देना है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मंगल, शनि, बृहस्पति, तो यहां पर हो गया मंगल। ठीक है, हम और आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध में आज ही हम लोगों ने पढ़ा 21 जून को, मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया बी। जल के वाष्प के रूप में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हाँ, वहां पे बुजुर्ग का देश इसलिए कहते हैं वहां की जीवन प्रत्याशा, जापान की जो जीवन प्रत्याशा है वो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, वहां के लोग सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहते हैं इसलिए उसे बुजुर्गों का देश कहा जाता है। ठीक, लाइक पोटेंसी जो है सबसे ज्यादा वहां पर है। अच्छा मेरे बताइए, आवाज साफ आ रही है ना, वीडियो साफ चल रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? जल के वाष्प के रूप में बदलने की जो क्रिया है ना, प्रश्न नंबर 27 आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया यहाँ पर, संघनन गलत है। राजेश जी ने बताया संघनन गलत है। मैं एक बार आप लोग के कमेंट भी ले लेता हूँ, देखते हैं प्रश्न नंबर 27 में कौन कौन कमेंट किया है। घनश्याम जी हैं, पंकज हैं, सोनू हैं जो यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, राजेश जी हैं, मंजू हैं, विशाल हैं, ज्योति हैं। यहाँ पर वाष्पीकरण इस प्रश्न का जवाब सही है, सी। ठीक है, तो जितने लोगों ने सी जवाब दिया है, प्रिया सिंह हैं, जो ज्योति सैनी है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर प्रश्न का जवाब सी दिया था उनके जवाब सही है, बाकियों के जवाब गलत है। जल से वाष्प बनने की क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला है, मिली बार से वायु का क्या बताया जाता है? मिली बार जिसे एमबी कहते हैं, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन में बने हैं, हमारे साथ इस सेशन को देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब सभी लोग देंगे।
मैं वीडियो को शेयर कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग शेयर करने वाले नहीं हैं, मुझे लगा मैं ही शेयर कर देता हूँ। मिलीबार, तो मिलीबार जानते हैं, इसे एमबी कहा जाता है और ये वायु दाब मापने का काम करती है, एयर प्रेशर मापने का काम करती है, ठीक है। मतलब बी वाला जवाब यहाँ पे सही है, बी बहुत लोगों ने, संतोष जी ने भी जवाब बी ही दिया है यहाँ पे। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, दूसरा सवाल मेरा, सहारा का मरुस्थल कितनी देश की सीमाओं को छूता है। जितने भी लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि सहारा का मरुस्थल कितने देश की सीमाओं को स्पर्श करता है। सभी लोग जवाब देंगे, इस एससीईआरटी पर बना नोट्स, एनसीईआरटी पर बना नोट्स, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर है, आप चाहें तो घर बैठे मांग सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और ई लर्निंग विद दुर्गेश के जो ऐप है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ। तो सहारा का मरुस्थल आपको पता ही होगा अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन दूसरा सवाल है कितनी देश की सीमाओं को छूता है। हम चाहेंगे जितने भी साथी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं वे सभी जवाब देंगे कि सहारा का मरुस्थल कितने देश की सीमाओं को छूता है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगला है, बेलाडीला के खान किसके लिए प्रसिद्ध है। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये पूरा सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है ताकि आपकी परीक्षा में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आप लोग ज्यादा से ज्यादा अंक लेकर आए और अब की बार एक सीट हमार का सपना पूरा करें। एकदम सही आप लोगों ने बताया, सोने के लिए है, लव एस के लिए है, बॉक्साइट के लिए है, तांबे के लिए है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा सभी लोग, और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर प्रश्न नंबर 30 की बात करें तो यहां पे आप लोगों ने सही बताया लव एस के लिए, अभी तक कोई बताया नहीं क्या, गूगल करके बता दीजिए। प्रश्न नंबर सवाल का उत्तर होगा बी, जिन कूपों से बराबर अपने आप जल निकलता रहता है वे निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। जिन कूपों से बराबर अपने आप जल निकलता रहता है वे निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, नलकूप कहलाते हैं, बाह्य कूप कहलाते हैं, उद्भृत कूप कहलाते हैं, विद्युत कूप कहलाते हैं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा सा आपको कठिन भी लग रहा होगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। प्रश्न नंबर 31 के जवाब सभी साथी मित्र देंगे उद्भृत कूप, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अगर यहां से कभी भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा गलत नहीं होना चाहिए। अगला, पृथ्वी से धरातल की ऊपरी परतों पर बल पड़ जाने से कौन से पर्वत बनते हैं। पृथ्वी से धरातल की ऊपरी परतों पर बल पड़ जाने से कौन से पर्वत बनते हैं, 32 का जवाब सभी साथी देंगे। वजह से यहां पे है एग्जांपल दे रहे, दोनों तरफ से प्रेशर बनेगा तो ये पर्वत क्या हो जाते हैं, कुछ इस तरह से हो जाते हैं, क्या होता है, इसको वलन कहते हैं, ये वलित पर्वत कहलाते हैं, जब इधर से भी प्रेशर बनता है और इधर से भी प्रेशर पड़ता है तो हम बीच में वलित हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। जब नदियों का जल ऊंचाई से गिरता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे पहले बताया कि वो प्रश्न है जहां से परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, उसे वलित पर्वत कहते हैं। अंकुर जी मैंने बताया 32 का वलित पर्वत कहते हैं। जब नदियों का जल ऊंचाई से गिरता है, 33 का जवाब दीजिएगा, रिप्त घाटी, रिप्त घाटी बैठ जाती है, डेल्टा पर्वत प्रपात, तो यहां पे एकदम सही है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ग्लेशियर के पिघलने से, ग्लेशियर पिघलने से वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है, गलिंग, अपक्षरण, क्रीप, प्लकिंग। राजेश जी ने सही जवाब दिया है, फेसबुक पे जो इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं। अनु जी बताइए, अनुप है, घनश्याम है, विशाल है, पंकज है, यही लोग लाइव देख रहे हैं, बाकी कमेंट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 34, अपक्षरण बी, मरुस्थली वनों के वृक्षों की पत्तियां होती हैं, मरुस्थली वनों के वृक्षों की पत्तियां कैसी होती हैं, छोटी और पतली होती हैं, लंबी और चौड़ी होती हैं, गोलाकार होती हैं, कैसे होती है। प्रश्न नंबर 35 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, मरुस्थली वनों के वृक्षों की पत्तियां छोटी और पतली होती हैं, अगर छोटी और पतली नहीं होंगी तो आपको सर्जन ज्यादा होगा, जितना पानी है सब निकल जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अगला है, रबी की फसल के दो प्रमुख उपज क्या है,
रबी की फसल ही पूछ सकता है आपके परीक्षा में, खरीफ की फसल आपके परीक्षा में पूछ सकता है, जायद की फसल आपके परीक्षा में पूछ सकता है, तो ये भी जानते रहिएगा। मेरा सवाल आपसे, फसल किसे कहते हैं कमेंट करके बताइएगा, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं बताइए फसल किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 36 के जवाब सभी को देना, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। गेहूं और चना ये रबी की फसल है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कमेंट करके बताइएगा। भारत के प्रमुख दो बंदरगाह, वैसे प्रमुख रूप से कुल 16 बंदरगाह हैं, वैसे तो और ज्यादा, लेकिन अगर प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो 16 बंदरगाह हैं, लेकिन आपको यहां पूछा जा रहा है प्रमुख दो बंदर बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये पूरा सीआरटी है और यहीं से आपके परीक्षाओं में सवाल आते हैं, और अगर आपने लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पढ़े होंगे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए, क्योंकि वो सीआरटी और एनसीआरटी से पूरी तरह से तैयार है। हाँ एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया, पर किसी का गलत नहीं है, बंबई और कोलकाता दो प्रमुख बंदर है, वैसे साफ कोलकाता कोची मुंबई सारे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख देखा जाए तो यही हो गया। यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी चार नदियां हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर दें, चाहे जहां इस वीडियो को देख रहे हैं, कई लोग इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, कई लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी आप इसे देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए सभी महत्वपूर्ण है, मुंबई और कोलकाता भी है, मुंबई विशाखापट्टनम भी है, ठीक है, लेकिन प्रमुख बंदरगाह जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। 38 का जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। देखिए गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत में, उत्तर भारत की अगर देखा जाए तो मध्य में, भारतों की मध्य में बहने वाली नदी है, यहाँ भी गोदावरी है, और नर्मदा जो ये, मतलब ये भी गलत है ये भी गलत, गंगा यमुना कोसी ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से निकलने वाली चार नदियां हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं कौन सी आपस में समानांतर होती हैं, अभी हमने शुरुआती क्लास में बताया था कौन आपस में समानांतर होती हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये सभी बताइएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है, ओडिशा की शोक सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न वही है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, एकदम सही बताया, आज के सेशन में इसको पढ़ाया और बताया है, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इनके बीच की दूरी आपस में बराबर होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती है, जैसे अगर मैं अक्षांश रेखा की बात करूं ये पूरा ग्लोब हो गया, ये हो गया 0 डिग्री, इसके बाद जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती है इनके बीच की दूरी आपस में बराबर होती है, मैंने एक दूसरे के क्या होती है समानांतर होती है, लेकिन इनकी जो लंबाई है ना, जो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं इनकी लंबाई कम होती जाती है और अंत में एक बिंदु के रूप में हो जाती है, इसलिए कहा जाता है अक्षांश रेखा के बीच की दूरी तो आपस में बराबर होती है किंतु इनकी लंबाई क्या होती है कम और ज्यादा होती जाती है, इसलिए अच्छा दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी क्या है कॉमेंट करके बताइएगा। अब ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, कौन सी रेखा कहते हैं देशांतर रेखा कहते हैं, ये अर्धवृत्ताकार एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। ओडिशा का शोक किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में जाइएगा कमेंट करके बताइएगा। कौन सी रेखाएं ध्रुवों की ओर छोटी होती जाती हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और प्रश्नों के जवाब भी दिया करिए क्योंकि यहां पर केवल भूगोल से जुड़ा सवाल पूछेंगे उसका जवाब मिलेगा, अगर इसके अलावा अगर आपने कोई कमेंट किया तो आपको उस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात को पूरी तरह से जानते रहिएगा। जी हाँ मंजू जी ने, विशाल जी ने जवाब दिया है यहाँ पे। जी हाँ प्रश्न नंबर 41 आप लोगों ने बताया नहीं, रेखाएं ध्रुवों की ओर छोटी होती जाती है, जस्ट अभी हमने बताया ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है छोटी होती जाती है, लेकिन बीच की दूरी बराबर रहती है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा अक्षांश रेखा। ये पूरा आपके सिलेबस के आधार पर है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का मिक्स। कौन सी रेखाएं की लंबाई समान होती है, प्रश्न नंबर 42 बताइए किसकी लंबाई हमेशा आपस में बराबर होती है, प्रश्न नंबर 42 का जवाब दीजिएगा। देखिए जो भी जिसको नोट्स चाहिए वो इलर्निंग विद दुर्गेश का जो ऑफिस का नंबर है उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं,
यहाँ पर नोट संबंधी सभी जानकारी मिल जाए। अगर इस पर बात ना हो पाए तो ये लर्निंग विद दुर्गेश एक और ऑफिस का नंबर है, इस पर भी आप बात कर सकते हैं। ये सभी क्लासेस निःशुल्क और देशहित में राष्ट्रहित में आप सभी के लिए मेरे द्वारा है। जी हाँ, देशांतर रेखा की जो रेखा की लंबाई होती है ये आपस में बराबर होती है, बेशक इनके बीच की दूरी आपस में बराबर नहीं होती, सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होती है, सॉरी भूमध्य रेखा पर होती है, जो जो ध्रुवों की तरफ जाती है छोटी होती जाती हैं और ध्रुवों पर जाने पर शून्य हो जाती है, लेकिन इनकी जो लंबाई होती है ना 360 रेखाएं होती हैं, 360 रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सभी साथी जवाब देंगे। ज्योति वर्मा जी, ज्योति पांडे जी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अंकुर जी, विशाल जी, फैज जी, सभी लोग जवाब देंगे। सूर्यांश जी, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट में। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा। अगर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो ओडिशा आपका जवाब सही है। रेणुकूट में किस धातु का सामान बनाने का कारखाना है? रेणुकूट में किस धातु का सामान बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है? प्रश्न नंबर 44 का जवाब देना है आपको। एकदम सही आपने बताया, एल्यूमिनियम। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी जवाब दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी, गंगा नदी, यमुना नदी, हिम नदी। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने भी लोग इस सेशन को लाइव पढ़ रहे हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? प्रश्न नंबर 45, महानदी पर। क्या आपने इस वीडियो को शेयर किया है? अगर हाँ तो थैंक यू। पृथ्वी के दैनिक गति से क्या होता है बताइए, चलो फटाफट कमेंट करके। बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर मैं कहें तो मैं एग्जांपल देकर आपको समझा दूं कैसे दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति से क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ये सब आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी मिलेगा। पृथ्वी को सूर्य के चारों परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? एक सवाल है मेरा, सौर वर्ष किसे कहते हैं? अधिवर्ष किसे कहते हैं? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, अधिवर्ष किसे कहते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके, अधिवर्ष किसे कहते हैं? इसमें 366 दिन होता है और सौर वर्ष में 365 दिन होता है, तो लगभग 365 से 1/4 मतलब इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत स्थित में कितने अंश झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। ठीक है, मरुस्थली प्रदेशों में यातायात का मुख्य साधन क्या है? एकदम हलवा सवाल है, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। मरुस्थली प्रदेशों में यातायात का मुख्य साधन क्या है? हाथी, घोड़ा, ऊंट, याक। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? जवाब दीजिए सभी लोग। गेहूं, चावल, गन्ना, चना। गेहूं इसका सही जवाब है। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बना है? आपको पता है भाखड़ा अलग है, नागर अलग है। ये सब आपको लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में मिल जाएगी। मैं बार बार कहता हूं लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स को घर मंगाकर पूरा पढ़ लीजिए,
आपके सिलेबस में पूरा मिल जाएगा। भाखड़ा नागड़ बांध किस नदी पर है? सतलज है, चंबल है, गोमती है, ब्रह्मपुत्र है। तो ना गोमती नदी पर है, ना आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ना आपके चंबल नदी पर है, ये कहां पर है? सतलज नदी पर है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी लोग। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर अधिकतर वर्षा किस ऋतु में होती है? भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर अधिकतर वर्षा किस ऋतु में होती है? दक्षिण पूर्वी तट की बात की जा रही, 53 का जवाब सभी साथी दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारा भारत हो गया, तो यह जो ये हिस्सा है तमिलनाडु का हिस्सा, यहां पर जो वर्षा होती है इसे लौटते हुए मानसून से होती है, और यह हमेशा शीत ऋतु में होती है। ए ये दक्षिण भारत मतलब यहां पर तमिलनाडु में। अगर यहां पर प्रश्न में देता तमिलनाडु, भारत में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से किस नदी के डेल्टा में होता है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा है, यमुना है, गोमती है, ब्रह्मपुत्र है, कौन सा? जवाब सभी लोग दीजिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर करिएगा, फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। ये पूरी तरह से एससीईआरटी एनसीईआरटी है। ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी, नहीं गंगा नदी का डेल्टा। एक मिनट रुकिए, गंगा नदी का डेल्टा सही है। ए गंगा नदी का डेल्टा सही है। ये गंगा भारत में जुड़े उत्पादन गंगा नदी के डेल्टा पर होता है। ए वालों के जवाब यहाँ पे सही थे। भारत में ऐसा एकमात्र कौन सा एशियाई शेर पाए जाते हैं? कहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं? सारस शासन गिर राष्ट्रीय वन, सरिस्का राष्ट्रीय वन, आंध्र प्रदेश की नल्लामलाई पहाड़ी, मालाबार तट के पश्चिमी घाट पे। 55 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है गिर का जो राष्ट्रीय वन है ना, यहीं पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। रेगर मृदा क्या है कि प्रमुख उपज क्या है? कपास है, गन्ना है, ज्वार है, ये सभी है। तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। इसे रेगुर कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। अब तुरंत आप पकड़ लेंगे कपासी मिट्टी, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, आप लोगों ने आसानी से जवाब दे लिया। अब बताइए जरा कमेंट करके, यहाँ पर किसी को कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाएगा और कमेंट पुट करके पूछ सकता है। ठीक है, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर, स्वेज नहर, नील नदी, नाइजर। तो नील नदी है, नाइजर भी नदी है। अब पनामा स्वेज ये दोनों नहर है, इन दोनों नहरों में से आपको जवाब देना है। ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप कर लेंगे। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा पनामा नहर। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है सवाल आपके सामने, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर नियमित रूप से चलने वाली पवने कहलाती हैं। अपरिवर्तनशील पवने, परिवर्तनशील पवने, निम्न परिवर्तनशील पवने, उच्च परिवर्तनशील पवने, यह सब आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में मिल जाएगा। सभी लोग घर बैठे नोट्स मंगा लीजिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब पर कहीं भी देख रहे हैं। अगर प्रश्न नंबर 58 की बात की जाए तो यहाँ पर है अपरिवर्तनशील पौने कहलाती हैं। इनको भी नोट्स में डायग्राम के माध्यम से बताया और समझाया गया है। ठीक है, अगला है आपके सामने, सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? यह पूरी तरह से एनसीईआरटी, अब आपको पूरा स्पष्ट हो गया होगा कि जितना भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं यह पूरा एससीईआरटी और एनसीईआरटी का ही निचोड़ है। तो बताइए सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? उसे हम बुध के नाम से जानते हैं। किस ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? कमेंट करके बताइएगा। गेहूं किस जलवायु का पौधा है? गेहूं किस जलवायु का पौधा है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। शीतोष्ण कटिबंधी, ग्रीष्म, शीत, नम, शीतोष्ण, इस प्रश्न का सही जवाब है। कोंकण के दक्षिण में कौन सा तट है? उत्तरी सरकार, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, गुजरात तट।
तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, कोंकण के दक्षिण की अगर हम बात करें तो यहां पर मालाबार तट है, मतलब सवाल का उत्तर आपका बी हो गया। आधुनिक कागज के उद्योग का आरंभ किस सन में कोलकाता के निकट हुआ था? 1835, 1870, 1785, 1847। यह सब हाँ, बुध दर्शक के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, यह सब पूरी एनसीईआरटी और यह सीआरटी का निचोड़ है, जीएस और जीके। तो प्रश्न नंबर 62 का जवाब आप लोगों ने दिया 1870। भारत को कागज नगरी किसे कहा जाता है, किस स्थान को कागज नगरी के नाम से जाना जाता है? भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण है, मानसूनी है, विषुवती जलवायु है, ध्रुवीय है? एकदम हलुआ सवाल है और मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब सभी साथी मित्र दीजिएगा कि भारत की जलवायु कौन सी जलवायु है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो बचपन से पढ़ते हैं वो गलत ना होने पर, तो यहां पर होगी मानसूनी है। कौन सी है? मानसूनी। ठीक है, अरे रटे रटाया सवाल नहीं है। भारत के दक्षिण में अरब सागर में लगा हुआ कौन सा एक छोटा सा राज्य है? भारत के दक्षिण में अरब सागर से लगा हुआ कौन सा एक राज्य है? अब यहाँ अगर अरब सागर की बात करें जाए तो यहाँ पे हम देखें कि भारत का पश्चिमी तट, यहाँ पे देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कर्नाटक है और केरल। अगर कौन सा छोटा सा राज्य है तो 64 के जवाब अगर आप देना हो तो केरल भी है, कर्नाटक भी है। छोटा की अगर हम बात करें तो यहाँ छोटा में क्या है? केरल हो गया, मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपका हो गया सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी जवाब दिया है तो पूरी तरह से इसका जवाब सही था। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, मेरी आवाज आप लोग तक जा रही है, वीडियो साफ चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न अच्छे हैं ना, कुछ कठिन है कुछ सरल है। विश्व में कौन सा देश कपास में प्रथम है? चीन, भारत, रूस और यूएसए। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों को, फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, अपनी स्टेटस अपने ग्रुपों में। जी अगर प्रश्न नंबर 65 की बात करें तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा चीन। भौगोलिक स्थिति परिस्थितियां समतल भूमि, अधिक वर्षा, अधिक तापमान किसकी खेती की जा सकती है? देखिएगा अगर भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो समतल भूमि हो, अधिक वर्षा हो, अधिक तापमान में किसकी खेती की जा सकती है? जूट की, कपास की, गेहूं की, चावल की? जवाब सभी साथी दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं या जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, सभी साथी जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। जूट की, एकदम रट लीजिएगा, ये एकदम टेक्निकल सवाल है, पूरे एनसीईआरटी वाले सवाल देखिए ऐसे ही पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सवाल होते हैं ना ऐसे ही पूछे जाते हैं। भारत में भौगोलिक परिस्थिति जैसे दोमट मिट्टी, साधारण वर्षा, सामान्य ताप में किसको उपजाया जा सकता है? चावल, गन्ना, गेहूं, कपास? जवाब दीजिएगा सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 67 का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। प्रतिदिन क्लास इसी टाइम लाइव चलती है, क्लास में टाइम से आप लोग बने रहिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से क्लास आपको डेली के डेली मिलते रहे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गेहूं। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। नमी रखने वाली मिट्टी, साधारण वर्षा, अधिक तापमान जैसी भौगोलिक परिस्थितियों में किसको भारत में उगाया जा सकता है? गन्ना को, कपास को, जूट को, चावल को, किसको? हाँ आप लोग कमेंट करिए, एकदम सही आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है, कपास। ठीक है, हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसकी जो पीडीएफ है, सभी का नमस्ते, सभी का स्वागत है क्लास में देर से आने वालों का भी। अधिक वर्षा, सामान्य ताप वाले क्षेत्र पर, ढालू भूमि पर किसकी खेती की जा सकती है? कहवा की, चाय की, नारियल की, कपास की? तो प्रश्न नंबर 69 का जवाब सभी साथी सभी मित्र कमेंट करके दीजिए। अधिक वर्षा, सामान्य ताप वाले ढालू भूमि पर किसकी खेती की जाती है? तो आपको पता है नारियल बोया नहीं जाएगा, कहवा बोया नहीं जाएगा, कपास और चाय में हम देखेंगे तो चाय की खेती होगी ढालुआ भूमि पर। ठीक, तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर चाय बताए थे उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है।
अगला है चंद्र ग्रहण किस तिथि को मनाया जाता है। अच्छा चंद्र ग्रहण कब होता है कमेंट करके बताइएगा, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि जो चंद्र ग्रहण है ना वो कब लगता है। सभी साथी जवाब देंगे, वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? 70 पूर्णमासी अष्टमी नवमी अमावस्या, यहाँ पर पूर्णमासी सही है। अगर इस प्रश्न का ए आपने जवाब दिया तो सही है। अगला है शाब्दिक रेखा, एक तो नहीं रहा प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, थोड़ा सा टेक्निकल है, आसान भी है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न के जवाब सभी साथी देंगे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा बताइए? जिस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध पर दिन छोटा रात बड़ी होगी, मतलब ए। विश्वती प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवर्ती है, पर्वतकृत होती है, श्रमणीय है, आलब्धि। 72 का जवाब सबको देना है। अगर विश्वती प्रदेश की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे छोटा दिन अगर हम बात करें जब ठंडी में होता है ना सबसे छोटा दिन, अगर दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा, हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में हम लोग रहते हैं तो हमारे सबसे छोटा दिन कब होगा ठंडी में? और ठंडी मतलब 22 दिसंबर, यहाँ पर होगा श्रमणी वर्षा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो श्रमणी वर्षा आपका सही है। बालू के टीलों का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी द्वारा होता है, ज्वालामुखी होगा, पवन द्वारा, वर्षा द्वारा। एक स्थान से बालू को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने की कौन ले जाएगा? नदियां ले जाएंगी, ज्वालामुखी ले जाएगा, पवन, वर्षा। तो पवनों द्वारा होता है, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सत्य हो सही है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अक्षांश वृत्त और मध्यान रेखा एक दूसरे को कितने अक्षांश पर या अंश पर काटती है? प्रश्न नंबर 74 का जवाब सब लोग देंगे। 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश, 180 अंश। अगर हम मध्यान रेखा की बात करें तो मैं यहां पर आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, ये हो गया आपका मध्यान रेखा 0 डिग्री हो गया, ये हो गया अक्षांश वृत्त हो गई, और मध्यान रेखा प्रधान मध्यान रेखा ये भी 0 डिग्री हो गई। तो कितने डिग्री पर काटेंगी? 90 डिग्री पर। मतलब सवाल का उत्तर हो जाएगा भी, ये हो गया विषुवत रेखा, अक्षांश वृत्त से कहते हैं, और ये हमारा जो हो गया ये देशांतर रेखा, इसे हम मध्यान रेखा प्रधान मध्यान रेखा कहते हैं ना। जी हाँ, समुद्री धाराओं की दिशा किससे से प्रवाहित होती है आप लोग बताइएगा? नियत वाही पवन से, ज्वार भाटा से, समुद्र के खारापन से, समुद्री जहाज से। सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट प्रश्नों का, 150 प्रश्न पढ़ने हैं सीआरटी के, ठीक है? यहाँ पर हम लोग को प्रश्नों को 150 सवाल पढ़ने हैं। तो अगर प्रश्न नंबर 75 की बात करें, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, नियत वाही पवनों से क्या होती है? समुद्री धाराओं की दिशा प्रवाहित होती है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका ए। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब ए दिया है तो आपका जवाब यहाँ पर सही है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ, नए प्रश्नों की तरफ। संगमरमर किस प्रकार का शैल है? चट्टान तीन प्रकार का होता है, आग्नेय शैल, इग्नियस रॉक्स होता है, रूपांतरित माने सेडिमेंटरी रॉक्स, अवसादी सेडिमेंट्रिक हो गया, रूपांतरित माने मेटामॉर्फिक हो गया। तो रॉक्स तीन प्रकार के होते हैं, यहाँ पर तीनों प्रकार के रॉक्स के बारे में हम चाहे तो पढ़ सकते हैं। इग्नियस रॉक्स होता है और सेडिमेंटरी होता है, ठीक। तो संगमरमर क्या है? ये रूपांतरित शैल है, ये पूरी तरह से सीआरटी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसलिए आपसे फिर से कहूंगा इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक, सभी मित्रों तक शेयर जरूर करें आप लोग। एक निश्चित दिशा में चलने वाली पौने क्या कहलाती हैं? चक्रवाती ये पौने कहलाती हैं, धारावाही पौने कहलाती हैं, अपरिवर्तनशील पौने कहलाती हैं, कैसी पौने कहलाती हैं? 77 का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, चाहे जहां इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक यूट्यूब पर सब जगह लाइव चल रहा है। एक निश्चित दिशा में चलने वाली पौने क्या होती हैं? अपरिवर्तनशील पवन कहलाती है, मतलब सवाल का जवाब होगा सी। आपकी संख्या इतनी कम है, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ही अच्छी सीरीज, इस तरह हम डेली सीरीज लाएंगे। हो सकता है अगले दिन इतिहास का लेकर आए, फिर इकोनॉमिक्स के लेकर आए, फिर आपके लिए ज्योग्राफी लेकर आए, तो अगर आप मदद करेंगे, साथ देंगे, तब तो और आपके लिए बेहतर करेंगे ना। इन सबकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी, इसकी प्रश्न बैंक खत्म होने के बाद आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करेंगे,
ई लर्निंग विद दुर्ग ऐसा है, वहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फेसबुक पेज पर भी आपको ई लर्निंग विद दुर्ग के मिल जाएगी, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान का अंतर क्या कहलाता है? अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान का अंतर क्या कहलाता है? ताप में वृद्धि, ताप में कमी, निष्क्रिय तापमान और तापांतर। प्रश्न नंबर 78 के जवाब सभी को देना है। 78 का जवाब सभी लोग दीजिए, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। तापांतर कहा जाता है, भारत में सबसे ज्यादा तापांतर कहां पाया जाता है कमेंट करके बताइएगा। भारत में सबसे ज्यादा तापांतर कहां मिलता है? जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है उन सभी का थैंक यू, और लाइक भी किया उनका भी दिल से थैंक यू। समुद्र तट पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नियमित उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तरंग, लहरें, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी। एकदम हलवा सवाल है। सब सो रहे हैं गुरुदेव, मैं जग रही हूं बस। चलिए नहीं, सभी भगवान करे जगे, सभी का सिलेक्शन हो जाए। हाँ, सभी प्रश्न कराएंगे लेकिन एक ही दिन में सब नहीं करा पाएंगे ना। हम एनसीईआरटी लेकर आते हैं और उसको टाइप करा के फिर आपके लिए लेकर आते हैं, तो हर दिन आपके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। ज्वार भाटा सी। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का आवरण क्या कहलाता है? इसकी नोट्स पूरा पढ़ लीजिएगा, नोट से आपको बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए नोट सबसे बेस्ट है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का आवरण क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है, गलत। आप बताए वायुमंडल कहलाता है, सही। पृथ्वी चारों ओर वायुमंडल। अच्छा, वायुमंडल पृथ्वी पे कैसे रुका है, क्यों रुका है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है सभी लोग, समान ताप वाले स्थानों की मिलाली रेखा क्या कहलाती है? समताप। आज के सेशन हम लोगों ने इसको पढ़ा था, सी। क्लियर हुआ? अच्छा, वायुमंडल की कितनी परतें हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वायुमंडल की कितनी परतें हैं और सबसे नीचे की परत का नाम क्या है। जल के वाष्प के रूप में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है सुपरटेड विद दुर्गेश सर, उस चैनल पर भी आपकी क्लासेस डेली चलती हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। जल के वाष्प रूप में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? आज ही हम लोगों ने पढ़ा, उसे हम संघनन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 82 जो बाद में जुड़े जरूर जवाब देंगे, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। शीर्ष प्रश्न का सही जवाब है। पर्वती अवरोध के फलस्वरूप होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? पर्वतकृत वर्षा कहते हैं, समवनी वर्षा कहते हैं, वाष्पीकृत वर्षा कहते हैं, घाटी वर्षा कहते हैं। 83 का जवाब सभी साथी दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। 83 का जवाब सभी साथी दीजिएगा, उसे हम पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। ए वालों का जवाब यहाँ पे पूरी तरह से सही है। पृथ्वी के धरातल पर अकस्मात कांपना क्या कहलाता है? जवाब सभी लोग दीजिएगा, पृथ्वी के धरातल पर अकस्मात कंपन क्या कहलाता है? कंपन, प्रलय, भूकंप, ज्वार भाटा। 84 भूकंप का है, भूकंप के तीव्रता को कैसे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को कैसे मापा जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। वर्ष के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के तापमान का अंतर क्या कहलाता है? जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब दीजिएगा। वर्ष के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के तापमान का अंतर क्या कहलाता है? 85 जवाब दीजिए फटाफट। तापांतर, शीतोष्ण, विषम ताप, वार्षिक ताप परिसर। प्रश्न से ही स्पष्ट हो जा रहा है, बी। वायुमंडल में उपस्थित जल कणों का समूह क्या कहलाता है? जो वायुमंडल में जल के कण है उसे कहते हैं कोहरा कहते हैं, भाप कहते हैं, बादल कहते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा, प्रश्न अच्छे हैं, कमेंट करके बताइएगा आप लोग प्रश्न अच्छे हैं। प्रतिदिन आप लोग टाइम से लाइव रहेंगे। हाँ, तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। अच्छा, रिएक्टर स्केल पर कुल पैमाने की संख्या कितनी होती है? रिएक्टर स्केल पर कुल पैमाने की संख्या कितनी होती है कमेंट करके जवाब दीजिएगा। कोहरा इसका सही जवाब है, ए। भूगर्भ के पिघलने, पदार्थों के भीतर या बाहर ठंडे होकर जमने से बनी संसार की सबसे प्राचीन शैल कौन सी है? आग्नेय शैल है, रूपांतरित शैल है, उपयुक्त दोनों है। सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, जब पृथ्वी पूरी तरह से आग का गोला थी, उसके बताते हैं आग की गोला थी, लाखों साल तक, हजारों साल तक वर्षा हुई, फिर धीरे
ठंडी हुई, तो ठंडी होने से जमा चट्टानों से क्या कहते हैं, या पृथ्वी की भूगर्भ को तोड़कर जब गर्म उत्तप्त लावा बाहर आता है उसके जमने से जो चट्टान बनती है उसे कौन सी चट्टान कहते हैं, उसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, मान लावा के जमने से या ठंडा होकर जमने से बने चट्टान को आग्नेय शैल कहा जाता है। भूतल के वे भाग जो ऊंचे हैं जिन पर शिखर सपाट होते हैं क्या कहलाते हैं, पहाड़ कहलाते हैं, पठार कहलाते हैं, डेल्टा कहलाते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। जी हाँ, उसे पठार कहते हैं, मैंने बी वालों के जवाब यहां पे सही थे पूरी तरह से। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। पृथ्वी के धरातल के वे छिद्र जिससे पृथ्वी के भीतर के पिघले पदार्थ लावा के रूप में बाहर निकलते हैं कैसे निकलते हैं, ज्वालामुखी से, लावा से, ज्वारभाटा से कैसे निकलते हैं, कमेंट करिएगा। पृथ्वी के धरातल से छिद्र जिससे पृथ्वी के भीतर के पिघले हुए पदार्थ लावा बाहर निकलते हैं, एकदम हलवा सवाल है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें जितने भी लोग पढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी का सही जवाब है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एशिया की शीतोष्ण घास की भूमि कहलाती है, एशिया की शीतोष्ण घास की भूमि क्या कहलाती है, स्टेप्स कहलाती है, पैंपास कहलाती है, स्टेट कहलाती है। रट लीजिएगा, एक प्रश्न यहां से परीक्षा में आता है। ये सभी टॉपिक ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स पीडीएफ में प्राप्त करने के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जी हाँ, प्रश्न नंबर 90 का जवाब सही बता अपने, स्टेप्स ए। दक्षिण अमेरिका की शीतोष्ण घास की जो भूमि है स्टेट कहलाती, स्टेप्स कहलाती, पैंपास कहलाती, कैन बे का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा बताइए, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट कर लोग जरा ये भी बताइए, फीडबैक तो दीजिए। पैंपास, पैंपास है ये। महाद्वीपों के ऐसे भाग जो स्थित धरातली रचना, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, कृषि उपज तथा उद्योग धंधों की दृष्टि लगभग एक समान हो क्या है, प्राकृतिक प्रदेश कहलाते हैं, मानसूनी प्रदेश कहलाते हैं, शीतोष्ण प्रदेश कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं। उसे प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है, ए अगर आपने बता दी कि यहां पर अगर प्रश्न के उत्तर गलत होते कोई बात नहीं, परीक्षा में गलत नहीं होने चाहिए, बस इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तेहरान किस देश की राजधानी है, सोचिए ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रमुख देशों की आपकी राजधानी भी याद करनी है। देखिए पूरा, जैसे एनसीईआरटी जब भी बात आती है, सीआरटी की जब भी बात आती है, तो यही आपके सीआरटी और एनसीईआरटी के निचोड़ है। कल से एकदम टाइम से रहिएगा, आप लोग समय से आइएगा, समय तक रहिएगा। तेहरान किस देश की राजधानी है, ईरान की राजधानी तेहरान है। बैंकॉक किस देश की राजधानी है, YouTube पर, Facebook दोनों पर इसकी लाइव चल रही है, आप दोनों जगह इसे लाइव देख पाएंगे। हरि ओम जी, ये दोनों जगह एक साथ लाइव चल रही है। बैंकॉक किस देश की राजधानी है, 94 का जवाब दीजिए, थाईलैंड की। इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है, एकदम हलवा सवाल है। नेपाल की राजधानी बताइए कमेंट करके, ईरान की राजधानी कमेंट करके जवाब दीजिए, ईरान की आप तो कह देंगे सर तेहरान ही है। पाकिस्तान सही जवाब, आपकी संख्या कम हो रही है, बढ़नी चाहिए, आप लोग मदद नहीं कर रहे हैं। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। जापान की राजधानी कौन सी है, मास्को, तेहरान, टोक्यो। मास्को की राजधानी किसकी, मास्को राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी क्या होगी, टोक्यो। नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ती है। अब देखिए कुछ सरल प्रश्न थे, अब कुछ कठिन प्रश्न आ गए, अब कुछ लोग भागना शुरू कर दिए। अरे दो चार सवाल सरल आ जाने से पूरी सीरीज सरल नहीं हो जाती, और अगर आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है, नहीं आ रहा आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आप चाहते तैयारी और बेहतर हो तो भैया हाल ही इलनी भी दुर्गे से नोट घर बैठे मंगा लीजिए। नाथुला दर्रा सरल जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। भारत वो चीन से जोड़ती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है।
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा माई। गंगा माई कितने भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे ज्यादा दूरी भारत के किस राज्य में तय करती है? ये अभी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कि गंगा भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में लंबी दूरी तय करती है। म्यांमार वर्मा की राजधानी क्या है? बहुत हलवा सवाल है और कई बार लोग गलती कर जाते हैं। म्यांमार वर्मा की राजधानी नेपाइडो। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी यांगून, मास्को, वार्सा, पेरिस। पेरिस है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी, वाशिंगटन, ओटावा। ओटावा कहां की राजधानी है? कमेंट करके बताइएगा। ओटावा भी अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। ये पूरा एससीआरटी है, आपको लग रहा है ना ये एनसीआरटी और एससीआरटी का निचोड़ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है? कायरा किसकी राजधानी है? वाशिंगटन में डीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? डीसी का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट कर बताइएगा। यहां पर स्पष्ट का उत्तर वाशिंगटन डीसी है। डीसी में डीसी का फुल फॉर्म क्या है? जितने लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं वो आप जरूर बताएंगे, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हाँ, कनाडा की राजधानी ओटावा, सही जवाब। लेकिन वाशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करिएगा। कौन सा देश एक प्रायद्वीप है बताइए? कौन सा देश एक प्रायद्वीप है? सभी लोग कमेंट कर बताइएगा। 105 के जवाब सभी लोग दीजिए फटाफट कमेंट करके। तीन तरफ जल से घिरे वाले स्थान को हम प्रायद्वीप कहते हैं। किधर? तीन तरफ जल से घिरा, तीन तरफ जल से घिरा। तो भारत को भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है, तीन तरफ जल से घिरा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, सही जवाब। निम्नलिखित में से चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, शंघाई, हुनान, ओटावा। 106 बीजिंग। अच्छा, इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम पर शेयर कर दे। कितने लोग चाहते हैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर और फेसबुक पर डाल दें। निम्नलिखित में श्रीलंका की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू। जयवर्धनी पूरा कोट्टे। डेट्रॉयट कहां पर स्थित है? ये सब पूरी तरह से सीआईटी और एनसीआईटी का निचोड़ काढ़ा है आपके लिए। बताइए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके। 109 के जवाब सभी साथी कमेंट बॉक्स में देंगे। संयुक्त अरब अमीरात में फोर्ड कार के लिए है, यूएसए में डेट्रॉयट है। बहुत पूछता है, बहुत ही यूनिक सवाल है। विशाखापट्टनम किस देश का शहर है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर। हलवा सवाल वैसे आप कर लेंगे लेकिन कुछ लोग गलती यहां भी प्रश्नों में करेंगे। विशाखापट्टनम कहां पे? भारत में। ये तो आपको सबको पता होगा। हाँ सर, ये तो विशाखापट्टनम भारत में है। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको जवाब देना है। मैंने प्रश्न में ही एक और प्रश्न है आपके लिए, जवाब दीजिए फटाफट। जलपोत निर्माण के लिए, मतलब ए वालों का जवाब यहां पे सही है। लीड्स कहां स्थित है, किस बात के लिए प्रसिद्ध है? 111 के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है आप लोग। लीड्स की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटेन में है, उन्हीं वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है ये।
अहमदाबाद कहाँ स्थित है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है अहमदाबाद? अब जवाब दीजिए, इसका प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे, आप हम ही बता रहे, आप लोग की संख्या कम होती जा रही है, अब आप लोग बताएंगे तब वीडियो को शेयर खुद ही आप करेंगे, जितने लोग लाइक देख रहे उतने लोग तो शेयर कर दें। बताइए, सूती वस्त्र के लिए भारत में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? लंका शायर कहां स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? लंका शायर ब्रिटेन में है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। बैंगी टोगरस कहां पर है? एकदम यूनिक यूनिक सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को मिलाकर आपके लिए पूछा गया है। मैग्नी टोगरस कहां पर है? रूस में है, लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। याकोहामा किस देश का शहर और किसके लिए प्रसिद्ध है? याकोहामा नाम से लग रहा है जापान में है, रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने 115 में अगर आपने भी जवाब दिए तो आपके जवाब सही है। सेंट लॉरेंस क्या है? सेंट लॉरेंस क्या है? अगर कोई प्रश्न पूछे तो जो लोग लाइव रह करें वही लोग जवाब दे दिए, अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर पता रहा करे तो आप भी लोग कमेंट कर दिया करिए। 116, सेंट लॉरेंस नदी है, कहां की है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है सेंट लॉरेंस। ए पर्थ क्या है और कहां स्थित है? सोचिए एक ही प्रश्न में कैसे प्रश्न बने, ये नया ट्रेंड है प्रश्नों का, इस तरह के सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 117 का जवाब सभी साथी मित्रों को देना चाहिए। पर्थ एक बंदरगाह है और ऑस्ट्रेलिया में है। न्यूफाउंडलैंड क्या है और कहां स्थित है? टेलीग्राम पर एक बार आप लोग फिर से कहेंगे, जो नहीं जुड़े हैं वो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग में दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे। डेली क्लास में अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप में जुड़े रहें तो उसके लिए एक नंबर है ई लर्निंग में दुर्गेश का, अपना नाम और जिला लिख के व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, इसके माध्यम से व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे। हर अपडेट आपको व्हाट्सएप पर मिलती रहेगी, नोट्स भी मिलती रहेगी। न्यूफाउंडलैंड कहाँ है? एक द्वीप है उत्तरी अमेरिका में, मतलब सी। सिक्यांग क्या है और कहां स्थित है? सिक्यांग कहां है और कहां स्थित है? 119 जवाब दीजिएगा। नदी है और चीन में है। फ्यूजियामा क्या है और कहां स्थित है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी है और जापान में है। आ रहा समझ में ना? कहीं किसी को दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। टॉप के 150 प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रेरिज क्या है, कहां स्थित है? घास का मैदान है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। बीच जितने लोगों ने बताया सबके जवाब सही हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सबको मिल जाए, अगर आप चाहते सभी नोट्स आपको मिल जाए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले लीजिएगा। घर बैठे आपको नोट्स मिल जाएंगे और नोट्स शॉर्ट में है क्योंकि कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए नोट्स आपके लिए बेस्ट हैं। कालाहारी क्या है? मरुस्थल है। और ये मरुस्थल कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। फिजी क्या और कहां है? द्वीप है उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, सी। 123 का जवाब सभी लोगों ने दिया है, सी। अगर आपको भूगोल के अलावा कोई सवाल हो इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पे सवाल पूछिए, यहां केवल केवल भूगोल से सवाल पूछ सकते हैं आप, टॉपिक से बाहर कोई सवाल नहीं। पैंपाज क्या है और कहां है? आपको जानते हैं सर, पैंपाज तो घास का मैदान है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आपको? देखो नया ट्रेंड मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये नया तरह का प्रश्न कब परीक्षा पूछता है। येनिशी क्या है और कहां स्थित है? 125 बताइए।
यनिशी नदी है साइबेरियन, सुपीरियर क्या है, कहां स्थित है, सुपीरियर क्या है और कहां स्थित है, 26 का जवाब दीजिएगा। झील है यूएसए में, लेक सुपीरियर, सुना होगा आप लोगों ने। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप ही लोग देंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कोरल रीफ है, जवाब दीजिए फटाफट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ है, ये प्रबाल भित्ति की पट्टी दुनिया की सबसे बड़ी है। ओटावा क्या है और कहां स्थित है, ओटावा है नगर है और कनाडा की राजधानी है, ठीक। गल्फ स्ट्रीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 129 समुद्री धारा है प्रशांत महासागर की, आंध्र महासागर की, जवाब जरूर दीजिएगा। जितने लोग इस सेशन को लाइव देख रहे हैं जवाब तो सबके आने चाहिए, बहुत होंगे गलत है सही होंगे लेकिन जवाब देने हैं, आंध्र महासागर के, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका डी। अप्लेसियन क्या है और कहां स्थित है, अप्लेसियन क्या है और कहां स्थित है, कोयला का उत्खनन संस्थान स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जनशक्ति भारत में, खनिज तेल बेजान है, 131 कोयला का उत्खनन संस्थान और यूएसए में अप्लेसियन। मैनचेस्टर क्या है और कहां स्थित है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, तो चारों आप लोग को याद करना, ये नोट्स में आपको चारों मिल जाएंगे और चारों आपको पढ़कर तैयार कर लेना है। ब्रिटेन सूती वस्त्र बी। पिट्सबर्ग कहां स्थित है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अगले दिन एकदम टाइम से क्लास में आ जाएगा, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं चाहे से फेसबुक पे चाहे से यूट्यूब पर कहीं भी देख रहे हैं एकदम टाइम से क्लास में रहिएगा। पिट्सबर्ग कहां है, यूएसए में है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। टीटागढ़ कहां और किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, टीटागढ़ कहां है और किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग है और भारत में है। अच्छा नेपाल नगर किसके लिए है, रेहन किस शक्ति के साधन संबंधित है, भारत के किस राज्य में है, रेहन किससे स्थित है, जवाब दीजिएगा। 135 का सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जल विद्युत उत्तर प्रदेश। तारापुर किस शक्ति संबंधित है, भारत किस राज्य में है, जवाब सभी लोग दीजिएगा। तारापुर पढ़ाया मैंने, नोट्स में है, आप लोगों ने नोट्स पढ़ लिया कि नहीं अभी तक, इलेनी विद्रोह परमाणु शक्ति है महाराष्ट्र में। झरिया किस शक्ति संबंधित है, भारत किस राज्य में है, कोयला झारखंड। चूर कहां स्थित है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चूर्क भारत में है और सीमेंट के लिए है। लॉस एंजलिस कहां पर है, 139 का जवाब सभी लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिल्म उद्योग। भारत
भाखड़ा नागढ़ किस शक्ति के साधन से संबंधित है तथा किस देश में स्थित है? 140 के जवाब सभी लोग दीजिएगा। जल शक्ति से भारत में किस नदी पर है? वुलर क्या है और कहां स्थित है? अगले दिन इसी समय क्लास में आ जाएगा लाइव। अगर आप चाहते हैं कि डेली आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी के इसी तरह का सेशन पूरा अलग अलग विषयों की पढ़े तो झील है कश्मीर में, नियाग्रा कहां स्थित है? जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका, ठंडे पानी की धारा है आंध्र महासागर, झील कश्मीर, द्वीप महासागर। 142 का जवाब सभी लोग को देना है। ये जलप्रपात है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बेंगुला क्या है और कहां स्थित है? ठंडे पानी की धारा है और आंध्र महासागर में स्थित है। साइप्रस क्या और कहां स्थित है? आप लोग की संख्या बढ़ानी चाहिए, आप लोग घटा रहे हैं। ये द्वीप है रूम सागर डी। ताजमहल क्या और कहां है? ये तो हलवा सवाल है, सभी लोग कर लेंगे। मकबरे की इमारत है और आगरा में है। पारादीप क्या है और कहां स्थित है? नौ विकसी पत्तन है, उड़ीसा भारत में है। नागासाकी कहां पे है और किस उद्योग के लिए है? जापान में इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे खान, चांदी खान, प्लेटिनियम। ईटानगर क्या है? देखिए डेली क्लास के लिए आप जितने भी शादी वीडियो को देख रहे हैं आप सब लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। मेरे द्वारा सभी क्लास जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, निःशुल्क पढ़ सकते हैं। निःशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ताकि आपको हर मैसेज की रिप्लाई आपको मिल सके और आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए जगह, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और जिला। किम्बरले की बात करें तो हीरे की खान है। ईटानगर क्या राजधानी है? किसकी? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। मणिपुर राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा। लैब्राडोर क्या है? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइएगा जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। और क्लास और नोट्स के लिए ये YouTube पर भी लाइव है और Facebook पर भी लाइव है, दोनों एक साथ आप इसे लाइव देख पा रहे हैं। आप चाहते हैं घर बैठे सभी क्लास और नोट्स आपको मिल जाए तो आप लोग घर बैठ के नोट्स मंगा सकते हैं। ये नोट्स आप सभी के काफ़ी काम आने वाले हैं क्योंकि इसके माध्यम से आप पूरी तैयारी घर पर बैठ कर ही कर सकते हैं सभी साथियों। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ की सारी PDF इसकी आपको मिलती रहे। और फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को फॉलो करिएगा, पेज को लाइक करिएगा, और वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ये वीडियो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं क्लासेज आपको मिलती रहे तो सुपर टेट विद दुर्गेश सर चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा यूट्यूब पर, और स्टडी विद दुर्गेश सर भी चैनल है, ठीक है। और अगर आपका कोई सवाल, कोई प्रश्न हो भूगोल से जुड़ा तो अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रतिदिन क्लास में टाइम से आइएगा, सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है, ठीक है। टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ जाइएगा, बार बार मुझे कहना पड़ता है क्योंकि, और आप लोग क्लास में टाइम से आ जाएगा। कभी कभी क्लास एक दो मिनट लेट हो जाती है क्योंकि हम भी तो इंसान है, क्योंकि क्लास के अलावा बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी है उसको भी देखना होता है, सरकार के भी बहुत सारे काम होते हैं। और फिर भी जो मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए क्लासेज लेकर आता रहता हूँ निःशुल्क आप सभी के लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में, तो एक इंसान कितना काम करेगा, ठीक है। तो आज एक सेशन में 150 प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया, जो टॉप के प्रश्न है। लैब्राडोर एक धारा है और ये एक ठंडी धारा है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है बहती है, लेकिन ये लैब्राडोर की धारा किस सागर में बहती है, महासागर में बहती है, उसका जवाब आपको इस वीडियो में कमेंट करके देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, अगर आप चाहते हैं तो फेसबुक पर भी मिल जाएगी, फेसबुक पे आपको सर्च करना है ई लर्निंग विद दुर्गेश, ठीक है। कल फिर सब लेकर आएंगे NCERT का सेशन, NCERT का अगले दिन फिर लेकर आएंगे। आप कहें तो मैं टॉपिक बदल बदल, मतलब सब्जेक्ट बदल बदल कर लेकर आऊँ रोज, आप एक एक दिन में एक एक महत्वपूर्ण, या एक साथ हम आप एक ही विषय का ही पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट करिएगा क्योंकि हम चाहते हैं आपकी सिलेक्शन जरूर हो, आपकी तैयारी बेहतर और बेहतरीन हो। और नोट्स आप लोग कम समय में तैयारी करने के लिए मैं बार बार कहूँगा आप ले लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि नोट्स रहेगा तो आपको पढ़ने में कम समय में तैयारी करने मौका मिल जाएगा। और जितने भी
प्रैक्टिस सेट ऑफ मार्केट मिलेंगे, सब आप अगर नोट्स पढ़ लिया तो सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद। हाँ, थैंक यू आप सभी का, एकदम से थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पढ़कर और पढ़ाकर। और आप लोग ऐसे ही क्लास में आते रहिएगा, टाइम से बने रह करिए, थोड़ा सा लंबी क्लास है उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखिए सिलेक्शन लेना है तो क्लास बड़ी पढ़नी पड़ेगी, और 150 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। और ये मैराथन क्लास है और हम चाहते हैं यहाँ से प्रश्न ही आपकी परीक्षा में पूछा जाए। तो कल से एकदम टाइम से रहिएगा सभी साथी, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। मेरा जाते जाते सवाल आप सभी से है, NCERT का फुल फॉर्म क्या होगा? NCERT का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि NCERT का फुल फॉर्म क्या होगा। क्योंकि हम बार बार कहते हैं सर NCERT की सीरीज पढ़ रहे हैं, SCERT की सीरीज पढ़ रहे हैं, और हमें NCERT और SCERT का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतनी देर तक क्लास में बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक तो कर लीजिए जाते जाते, मत शेयर करिए, अच्छा शेयर भी कर दीजिए, ठीक। बाय बाय, जय हिंद।